हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल मधु फिल्म तड़का में। और आज मैं एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर तला यूनिस का सॉन्ग लाई हूं और इस सॉन्ग का नाम है कलम और ये सॉन्ग ऑडियो ट्रैक है और इस सॉन्ग में एहसान भी है और मैं फर्स्ट टाइम एहसान का सॉन्ग सुनने वाली हूं, वो भी तला यूनिस की वजह से इस सॉन्ग के थ्रू। तो चलिए पहले इस सॉन्ग को देख लेते हैं कि इस सॉन्ग में ऐसा क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कलम yeah. लफ्जों से खेलू जैसे खान खेले राग से, मैरी टू द गेम, गेम का मैं मार ले। हम दोनों में फर्क है तभी रखे फासले, हम बैठे अर्श पे और तुम नीचे खांस रहे। की हसल है छोटे, ये मेहनत का फल मिला कल नहीं, लेकिन मैं बंदा न डरबे कदर नहीं जानी, जब मुश्किल पड़े तो निकालते हल भाई। चल भाई लिल वेन वाली फील ले, मेरी क्लास में तू बैठ थोड़ा सीख ले, इज्जत कमाई जानी शोज की ये फ्री में, ये मेरा आर्ट ले की लेता नहीं फीस बे। सुनो पाक को रिपीट पे जो मेरे साथ रियल चार बारी बीस पे, मैं बैठा छह नंबर फायर करे वीडिये साथ, वो जो लाया अंजुम को बीट पे। एयरप्लेन मूड बैठा के टू, अभी जे रोल करे मेरे साथ बैठे फेस टू, बजे जे खोल हुई गन लोड, उदे कंट्रोल मेरे बार्स फंसे इनके एयर होल। गुजरावाला से के टाउन नैश से अबरा डैशबोर्ड करो ब्रेक डाउन, लफज मेरे बारी में लिखारी, बड़े बड़े पीछे छोड़े या खिलाड़ी, मेरे आगे सारे रैप गॉड लगते हैं अनाड़ी। कानों में कवाली जानी सुबह के या चार बजे, देते थे जो गाली जानी वो भी साले हाल पूछे पेट मेरा खाली, लेकिन जेब में पांच पत्ते छोड़ दिए काम जानी, जिनके थे अंजाम गंदे। मैंने कश्ती लगाई या किनारे पे, हिप हॉप बजाया है जानी अखाड़े में, हसली किया नहीं ढूंढे सहारे, खुदा पे भरोसा ये खुदा भी जाने। के टाउन मुझे बैक करे, बंदी बोले स्मैक करे, खोले मैंने कैद खाने नहीं इनको चैन पड़े, बना मैं तो ट्रेंड सेटर, फॉलो मेरा ट्रेंड करे, उर्दू रैप का रघु पूरे शहर पे हम राज करे, रियल सारे साथ खड़े, गलतियों को याद रखे, गाने मेरे सुन सुन हंसा से कांप उठे, गुना जानी लाख करे, लेकिन जानी याद रख गलतियों से सीख के ही आज जानी यहाँ खड़े। कलम और कागज भी हो रहे गरम, कामयाबी को देखी नहीं होती है जलन, ये जाहिल जो हिप हॉप में ला रहे धर्म, भाई मेहनत से होता है खुदा का करम, मैं लगा रहा जानी छोड़ी नहीं हसल, अब जो भी मैं करूँ सब करते हैं पसंद, कल इज्जत की भूख का जूसी का भरम, अब हिप हॉप के सखमों पे रखूँ मैं मरहम। कलम और कागज भी हो रहे गरम, कामयाबी को देखी नहीं होती है जलन, ये जाहिल जो हिप हॉप में ला रहे धर्म, भाई मेहनत से होता है खुदा का करम, मैं लगा रहा जानी छोड़ी नहीं हसल, अब जो भी मैं करूँ सब करते हैं पसंद, कल इज्जत की भूख का जूसी का भरम, अब हिप हॉप के जख्मों पे रखूँ मैं मरहम। मैं कला का गवाह बनूं, मैं लोगों का भला करूं, गलती को मना करूं, हर जख्म की दवा बनूं, सब चाहते मैं तल्हा बनूं, भीड़ में भी तन्हा रहूं, खुद का मैं सगा रहूं, घर का मैं बड़ा बनूं, कर मेरी कजा कबूल, शुक्र अदा करूं, क्या ये खता कबूल, जंगे फता करूं, अपनी रजा से दूर, क्या मैं फजा पर हूं, पिए सजा के घूंट, मैं इस जगह पर क्यों, सर फिरे हम तो दुनिया से लड़ पड़े, खोले हमने सर बड़े जब भी लगे गड़ पड़े, सर चढ़े ये कमाते मेरे बल पर है, उर्दू रैप की पहचान नहीं हम जड़ बने, बिल बने जिम्मेदारी ले वो फर्द बने, सुन यही लव्स मेरे पर बने, उनके रोकने से पहले हम चल पड़े, शायरी में दर्द बने, घर के हम मर्द बने, बाप मेरा बोला बेटा रातों को ना जाग तू, पूरे किए ख्वाब सोचू डरे मुझसे ख्वाब क्यों, सारी सारी रात रहता है तू घर से बाहर क्यों, बचीना कोई आरज़ू तो चढ़े मुझे खार क्यों, कागज को मैं आग दूं चाहूं तो तुझे गाड़ दूं, पर कैसे अपने अंदर के इस आर्टिस्ट को मैं मार दूं, इल्म अपना बांट दूं और गिरते को मैं हाथ दूं, भौंकते अब साथ क्यों ये कुत्ते मेरे पालतू, मेरा फ्लो जैसे बुगाड़ी बेटा भागता रहे, गाना फेंकने वाला मैं जमाना पूरा जागता रहे, चाहते वो बुलाना हमको दिल से दिल का राबता, ये घूमे हम अमीरों में नहीं देखे उन्हें दाग मेरे, कराची चाची पे जानी मैं आलमगीर भी, चल रहे वो टाची पे मैं राजा मैं वजीर भी, देता इन्हें ढील भी मैं देता इन्हें डील्स भी, दूर से ही जांच लें आंखें जैसे चील की। कलम और कागज भी हो रहे गरम, कामयाबी को देखी नहीं होती है जलन, ये जाहिल जो हिप हॉप में ला रहे धर्म, भाई मेहनत से होता है खुदा का करम, मैं लगा रहा जानी छोड़ी नहीं हसल, अब जो भी मैं करूँ सब करते हैं पसंद, कल इज्जत की भूख का जूसी का भरम, अब हिप हॉप के जख्मों पे रखूँ मैं मरहम। कलम और कागज भी हो रहे गरम, कामयाबी को देखी नहीं होती है जलन, ये जाहिल जो हिप हॉप में ला रहे धर्म, भाई मेहनत से होता है खुदा का करम, मैं लगा रहा जानी छोड़ी नहीं हसल, अब जो भी मैं करूँ सब करते हैं पसंद, कल इज्जत की भूख का जूसी का भरम, अब हिप हॉप के जख्मों पे रखूं मैं मरहम। क्या बात है। बहुत आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। गाइस,
दिस सॉन्ग आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से एहसान का फ्लो था और जिस तरह से यूनिस का फ्लो था, अमेजिंग। और आपको मैंने सॉन्ग सुनने से पहले ही बोल दिया था कि मैं फर्स्ट टाइम एहसान को सुन रही हूँ, वो भी यूनिस की वजह से। लेकिन तला यूनिस ने जिस तरह से इस सॉन्ग का कोलैबोरेशन किया है, और जो आर्टिस्ट होते हैं जिनमें कला होती है उनको वो लेकर आते हैं, और जिस तरह से यूनिस इस सॉन्ग में एहसान को लेकर आए हैं, अमेजिंग। जिस तरह से वो खुला खुला सपोर्ट करते हैं इन सभी आर्टिस्टों को, और जिस तरह से इस सॉन्ग में एहसान का फ्लो था ना, वो मुझे काफी अच्छा लगा। जिस तरह से इस सॉन्ग में दोनों की जो बॉन्डिंग थी, यूनिस और एहसान की बॉन्डिंग जो थी, वो मुझे काफी अच्छी लगी। आप सभी लोगों ने यूनिस का फ्लो तो देखा ही होगा, जिस तरह से यूनिस का सॉन्ग में फ्लो होता है, और उसी तरह इस सॉन्ग में भी एहसान का फ्लो हमें देखने को मिला। और पर्सनली बोलूं तो मुझे इस सॉन्ग में एक लाइन काफी अच्छी लगी जो कि एहसान ने बोली, वो ये थी, कलम और कागज भी हो रहे हैं गरम, कामयाबी को देख के होती है जलन, जाहिल जो हिप हॉप में ला रहे हैं धर्म, भाई मेहनत से होता है खुदा का करम। तो मुझे एहसान की ये लाइन सच बोलूं तो अमेजिंग लगी, जिस तरह से उन्होंने इस लाइन को इस सॉन्ग में डाला है ना, मुझे इतनी अच्छी लगी सच में। पर्सनली एहसान की वॉइस भी मुझे काफी अच्छी लगी, जिस तरह से फर्स्ट टाइम मैंने उनको सुना और जिस तरह से उनका फ्लो था ना, यूनिस की तरह ही उनका भी फ्लो कहते ना टक्कर में था, तो एहसान का जो फ्लो था वो यूनिस की तरह टक्कर में ही था। और आप सभी ने सॉन्ग में यूनिस को तो सुना ही होगा, जब यूनिस ये लाइन बोलते हैं कि घर का मैं बड़ा रहूं, खुद का मैं सगा रहूं, और जिस तरह से यूनिस ने ये लाइन बोली कि उर्दू रैप हमारी जड़ पर है, और जिस तरह से यूनिस ने अपनी लाइफ को इस सॉन्ग में एक्सप्लेन किया कि उनके बाप बोलते थे कि पूरी पूरी रात तुम बाहर रहते हो, और जिस तरह से वो घर के बड़े बने, तो जिस तरह से यूनिस ने इस सॉन्ग में लाइफ को एक्सप्लेन किया है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और जिस तरह से एहसान ने और यूनिस ने इस सॉन्ग में कलम पर जो ये सॉन्ग लिखा, वो मुझे काफी अच्छा लगा। जिस तरह से उन्होंने इस सॉन्ग में अपनी कलम की ताकत बताई और जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और जिस तरह से वो अपनी कलम से उर्दू रैप लिखते हैं, जिस कलम से उनको इतनी इज्जत मिली है और जिस कलम से उनको इतना प्यार मिला है, इतना फेम मिला है, तो जिस तरह से उन्होंने कलम पर ये जो सॉन्ग लिखा वो मुझे काफी अच्छा लगा। अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, अपने बारे में भी बताया। मुझे इस सॉन्ग में एहसान और यूनिस दोनों ही अच्छे लगे, और मुझे ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा। और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इसमें मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, मधु फिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।